दोस्तों नमस्कार। आज जो है हम अडेनियम का एक कटिंग लगाने का एक नया तरीका बताएंगे कैसे कटिंग किया जाता है। सिस्टम यह है कि हमने कुल मिला के 30% रेता ऐड किया है और ये बदरपुर है ये, ठीक है 33% और 40% हमने मिट्टी और खाद मिलाई है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास 1, 2, 3 मटेरियल हुए हैं। चौथा हमारा रूटेक्स है। ये रूटेक्स जो है हमारा नंबर का नहीं है, आपको बता दें ये हर एक चीज़ में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। कोई भी गुलाब की कटिंग लगाओ, किसी भी चीज़ की कटिंग लगाओ तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। ये हमारा अडेनियम है। ये अडेनियम की हमारी कटिंग है। इसमें आपको रेड है, एक रेड वाइट है, एक पेवर वाइट है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको आज आपको बताएँगे कैसे लगाते हैं। पहले ये मेरा बर्तन है, बर्तन कभी भी लीजिए, फ्लैट वाला लीजिए, ताकि ये जो है इसमें पानी कम पीता है और ये छेद है। टिपड़ी हमेशा उठी हुई चीज़ पे लगानी है और ये तीनों को हम मिक्सर करेंगे। ठीक है जी, बराबर का ये खाद मिट्टी पहले मिला लेते हैं। ऐसे ऐसे मिला लिया और ये इसमें क्या होता है कि पानी रुकता नहीं है दोस्तों, और ये जो है हम ऐसे भर लेंगे ऐसे। ठीक है जी, ऐसे हमने डाल लिया। ये इससे मिलाने से आपकी कटिंग मिस नहीं होगी और सड़ेगी नहीं। ये अब हमने इसको समझो भर लिया ये। ठीक है जी, ये हमने भर लिया बराबर, इसमें कोई फंगस ना हो। और हमने चाकू की मदद से इसको काटना है ये। ठीक है, इसके पत्ते ना काटो तो कोई दिक्कत नहीं है, काट भी सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम इसके पत्ते इसलिए निकाल रहे हैं कि दोस्तों ये लोड पत्ते से लेता रहेगा। और इसको जो है लकड़ पर रख के ऐसे काटना है ये। इसका काटने का फार्मूला है कि ये गांठ के पास से ही काटना है, बीच से नहीं, जहाँ इसकी आँख है ये। और इसको हमको ऐसे कर लेना है ऐसे। अब इसको लगाने का दोस्तों, हम कुछ को काटेंगे कुछ को नहीं निकालेंगे। ये हल्का है इसलिए हमने मेन वाली डाल काट दी है। तो इसको जो है हम देखो, एक तो मैंने ऐसे काटा है, इसको भी काट देता हूँ ऐसे ऐसे। ध्यान दें कि ये आँख के बगल से छिलका इसका मिस ना हो। और इसको ऐसे लगाना है ये। ठीक है, हम नज़दीक इसलिए लगा रहे हैं, हमारे पास कटिंग ज़्यादा है। वैसे तो आपको 1 इंची का गैप करके लगाना है दोस्तों, ये हल्का करके। और एक तरीका और है, हम कलम की टैप काटेंगे जैसे पहले की कलम होती थी ये। इसको ऐसे ऐसे, ठीक है जी ऐसे। देखो इसमें जो है हम पूरा ये फंगस वाला ब्लैक वाला है, इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है जी ऐसे, ये हमारा निकल गया। ये छिलका ना फटे, पर छिलका अगर फट गया तो आपको मिस हो जाएगा। इसको इसमें रूस बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तो ऐसे होना चाहिए। हम इसको जो है ऐसे थोड़ा सा हाथ से ऐसे बढ़िया लगा देंगे, तो ऐसे लगाने से। और हम इसको ऐसे इसमें 1 इंच के कम से कम, देखो हमने कितना दबाया, मैं दोबारा लगाया हुआ उखाड़ रहा हूँ, 1 इंच के लमसम। 1 इंच से ज़्यादा भी रहेगा तब भी आपको कलम आपकी चल जाएगी। ठीक है दोस्तों ऐसे। अब हम कटर से काट रहे हैं, हमारे कटर में ये, लेकिन कटर से मिस हो रहा है। ये मिस इसलिए हो रहा है कि ये दब रहा है, तो दबना नहीं चाहिए, नहीं पिचपिचा हो जाएगा। तो ये बराबर का कट रहा है ऐसे। इसको ऐसे लगाते रहें। ये हमारा लोड वाला थोड़ा कम कर देंगे, ये काट दिया और ये ऐसे रहेगा। हम चाहें तो यहाँ से भी कटिंग करके लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम लगाएंगे नहीं इसको ऐसे। ये देखो कट गया और इसको ऐसे लगाया और ये इधर ऐसे, सबको ऐसे लगाना है। ठीक है दोस्तों, हम इसको हल्का कर दे रहे हैं ये। और ये हमारा यहाँ से हम काटेंगे। ये इसलिए काटा है कि ये दब चुका है, ये भी नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगी, ये लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम लगा दे रहे हैं।
ऐसे इसको भी ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है। और यहाँ देखना है कि हार्ड है, अगर मुलायम है तो नहीं। इसको हम दो बार में लगाएंगे, देखो ऐसे काटा और ये यहाँ से ये कट गया ना जी। और इसको ऐसे किया, ये इसको भी ऐसे, देखो जब तक इसमें दूधपन रहेगा तब तक ये पूरी कटिंग इसमें चलने का 100% चल जाएगा। मतलब अगर इसका दूधपन, ये जो हल्का सा जो पानी है इसका मर गया पानी, फिर थोड़ा कम उम्मीदें रहेंगी, 18% ऐसे ही रहेंगी, 20 में से 18, बाकी जो है चल। ये काट दिया, अब इसमें देखो दूध हल्का हल्का पानी निकल रहा है, देखो ध्यान से निकल रहा है। अब इसको जो है ऐसे हमने रूटेक्स पाउडर में लगाया और इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। हो सके तो तगड़ी तगड़ी और मोटी मोटी लगाएं आप, ठीक है जी। ये मोटा है, मोटा चलने में थोड़ा बड़ी जल्दी पकड़ लेता है, छोटे जो है पतले वाले वो नहीं पकड़ते, ठीक है। अब एक तरीका मैं और आपको बता दे रहा हूँ, हमने ऊपर से छिलका इसका निकाल दिया है, ठीक है दोस्तों। छिलका निकालने का मतलब ये होता है, ये देखो पता लग जाता है कि हमारी ये ख़राब है यहाँ से, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, इसको निकाल ही देंगे, ठीक है जी। ऐसे ये निकल गया, अब हम इसको दोबारा छिलका निकालेंगे, देखो ये एक हिसाब से गुट्टी टाइप हो गया, ठीक है तो कलमी लग रही, मतलब कटिंग लग रही है, लेकिन ये ऐसे। अब इसको देखो मैं तीन प्रकार का एक ही वीडियो में आपको तीन प्रकार की से कटिंग और गुट्टी टाइप सब बता दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो हमारी पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में लिखिए और शेयर करिए जी ये, और दोस्तों को भी शेयर करें ये। हम मुलायम वाली कटिंग नहीं लगा रहे हैं, ये हम सब फेंक देंगे, लगा सकते हैं लेकिन हमको नहीं लगाना, हमको खाली मोटे वाले, ये देखो ऐसे 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 इसको ऐसे निकाल लेना है ये हम कटर से काटे से, कटर की कटिंग से, ये जो है कटर में उतना धार नहीं रहता है, इसलिए जो है ये देखो इसकी हड्डी जो है ख़राब हो गई है, तो हम इसको निकाल देंगे फिर, ठीक है। ये निकल गई, अभी भी इसको एक चीज़ को ध्यान देना है, इसमें ब्लैकपन है तो समझो फंगस पकड़ रखी है, इसको हम और आगे से काटेंगे। ये अभी भी इसको हमको लगाना ही नहीं है, इस कैंसिल कर देना है, या तो नहीं कैंसिल कर सकते तो यहाँ से देखिए यहाँ सही है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ इसको ले रहे हैं, देखो इसमें नहीं है और इसमें है कालापन, तो ये कालापन वाला नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये ख़राब है, ठीक है जी, इसमें फंगस आ गई है। तो दोस्तों अब हमारा छोटा छोटा रह गया है, हम उसको नहीं लगाएंगे ये, अभी एक और है। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक कर जरूर कर दीजिएगा सर। और ये देखो ये भी बढ़िया है, हम इसको रूटेक्स आपको नर्सरी में या दुकान पे हर जगह जहाँ आपको गार्डन के सामान मिलता है वहाँ मिल जाएगा, ठीक है जी, ऐसा नहीं है। ये इसमें ये रूटेक्स ऐसा है कि इसमें फंगस हर एक चीज़ का मतलब लॉक है, इसमें सब मिला हुआ है। तो इसमें दोस्तों ये हम पानी इसको 2 घंटे बाद देंगे, ये चीज़ ध्यान देना जी, ठीक है दोस्तों। मैं अभी उसको वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि 2 घंटे बाद हमारा इसमें पानी हम लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब करना, नमस्कार दोस्तों।